Hey guys, तो आज हम लोग बताएंगे फाइनली गाइस KTM RC 390 वर्सेस Apache RR 310। ये जो दोनों बाइक के कॉम्पिटिशन भाई बहुत ज्यादा है, और ये दोनों बाइक के अंदर आपके लिए भाई कौन सा बाइक फेवरेट है, और ऑब्वियसली भाई जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता देना। तो गाइस एंड दोनों बाइक के अंदर आज हम लोग बताएंगे जो दोनों बाइक के अंदर आपका कौन सा बाइक आपका लेना गाइस सही होगा, कौन सा बाइक गलत होगा वो भी हम लोग बताएंगे। सो गाइस एंड वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो भाई एक लाइक करो, एंड चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर से शेयर करो ताकि दोस्तों का भाई हेल्प ही हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारा बंदा वीडियो देखता है, कमेंट करता है, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज यार गाइस, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने दोस्तों को वीडियो को तो शेयर करो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बताएंगे KTM RC 390 के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे Apache RR 310। सो गाइस इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर बाइक सिंगल सिलेंडर के अंदर इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड ज्यादा KTM RC 390, ये तो बाइक आप लोग जानते ही हो, बट वैल्यू फॉर मनी तुम्हारा यहाँ पे अच्छा होगा Apache RR 310। दोनों बाइक के अंदर बताइए, पहले हम लोग बताएंगे KTM RC 390, उसके बाद बताएंगे Apache RR 310, उसके बाद बताएंगे दोनों बाइक के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सा बाइक आपके लिए सेफ का वो भी हम लोग बताएंगे। तो प्लीज यार वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले इंजन कैपेसिटी के अंदर बात करेंगे तो इंजन कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा KTM के अंदर 373 सीसी लिक्विड कूल 412 का इंजन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस बार तुम लोगों को क्विक शिफ्टर साथ में क्विक शिफ्टर स्लीपर क्लास भी देखने को मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और गाइस यहाँ पे BHP का बात करेंगे तो BHP 43.5 BHP आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब BHP तो यहाँ पे सही है। एंड यहाँ पे KTM को जो लिमिटेड RPM है वो गाइस 10,000 से 11,000 तक मैक्सिमम RPM जाता है। अगर गाइस तुम लोग पावर अनलॉक करना चाहोगे तो अनलॉक कर सकते हो, वो भाई तुम्हारा ही मर्जी है। और यहाँ पे गाइस फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करेंगे तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिले 13.7 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो सही है। और माइलेज के बारे में बात करेंगे तो माइलेज आप लोगों को मिनिमम यहाँ पे 25 तक देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 400 कैटेगरी के अंदर भाई तुम लोग 25 के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग रैश ड्राइव करोगे तो भाई 20 से 25 तक ही देखने को मिलेगा, उसके ऊपर गाइस बिल्कुल नहीं जाएगा। बट Apache का माइलेज बहुत अच्छा है, वो भी हम लोग बाद में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखो यार। सामने आप लोगों को LED हेडलाइट प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर भी आप लोगों को LED देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी आप लोगों को LED देखने को मिलेगा, और इसका जो मीटर है वो भी गाइस फोन की तरह देखने को मिलेगा। मोबाइल के अंदर भाई जैसा डिजिटल मीटर आता है वो स्क्रीन आता है, सेम टू सेम ऐसा ही तुम लोग को LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर तुम लोग को एक ही चीज कमी है, वो भाई टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। तो टच स्क्रीन नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है भाई सही है, क्योंकि अगर तुम बारिश के अंदर चलाओगे अगर कोई बंदा ऑटोमेटिक टच कर देगा तो भाई ये तो भाई खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए भाई तुम लोग बटन से भाई कंट्रोल करना होगा। तो लेफ्ट बटन लेफ्ट साइड में बटन है, चार आप लोग को बटन देखने को मिलेगा, चार बटन से आप लोग भाई ये मीटर को आप लोग भाई कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों बाइक के अंदर डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, एक के अंदर भाई सीधा फोन के अंदर और एक के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब दोनों के अंदर दोनों अलग अलग है, बट दोनों के अंदर मीटर का जो क्वालिटी है ना सच बोल रहा हूँ दोनों का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो आप लोग बताओ बाइक का लुक कैसे लगा, ऑब्वियसली कमेंट करके बता देना। और गाइस ये बाइक का टायर्स KTM का टायर्स है, इसका बात करेंगे सामने फ्रंट आप लोगों को 100/70/17 देखने को मिलेगा, और रियर आप लोगों को 150/70/17 देखने को मिलेगा, मतलब टायर्स है दोनों के अंदर सेम टू सेम ही देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे और भी कुछ बताएंगे, और ये बाइक तुम लोग को टॉप स्पीड कितना देख सकते हो, टॉप स्पीड तुम लोग को अराउंड भाई यहाँ पे 175 किलोमीटर तक टॉप स्पीड दे सकता है। एंड प्राइस का बात करेंगे तो प्राइस आप लोग 3.70 लाख, तो अंडर 4 लाख के अंदर ये बाइक बेस्ट रहा है। तो और भी बताएंगे Apache का प्राइस कितना है तो वो भी हम लोग बताएंगे। तो गाइस KTM के अंदर और तुम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो सामने आप लोग USD होता है अपसाइड डाउन फॉग देखने को मिलेगा, और पीछे आप लोग रियर आप लोग मोनोशॉक देखने को मिलेगा। सामने का डिस्क का साइज 320mm साइज है, पीछे आप लोग 240mm साइज है। तो डिस्क का साइज है, ब्रेकिंग कंट्रोल तो भाई KTM का हर टाइम भाई पहले अच्छा है। तो अभी हम लोग बताएंगे Apache RR 310 के अंदर क्या कुछ खास बातें, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी हम लोग बताएंगे। बट सबसे पहले हम लोग बताएंगे Apache RR 310 के अंदर मेरे को एक चीज अच्छा नहीं लगा, उसका भाई एग्जॉस्ट सिस्टम। तो भाई ये भाई अगर तुम आफ्टर मार्केट लगाना चाहोगे तो लगा चाहोगे एक्रोफिविक के एक्सी प्रोजेक्ट मत लगाओ, लगाना है तो एक्रोफिविक लगाओ। एंड भाई बहुत सारा एग्जॉस्ट है, बस उसके थोड़ा लाउड होता है, जिसके अंदर डिबिकलर आता है वही एग्जॉस्ट तुम्हें लगाओ, अच्छा वाला लुक आ जाएगा। Apache RR 310 के अंदर एक ही चीज़ का कमी है, वो भाई तुम लोगों यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा एकदम बाइक का लुक बिगाड़ देता है पीछे से यार। तो आप लोग चाहोगे तो आफ्टर मार्केट लगा सकते हो, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। और इसके इंजन कैपेसिटी बात करेंगे 310 सीसी आप लोगों को लिक्विड कूल 4 वाल्व का आप लोगों को इंजन देखने को
मिलेगा और यहाँ पे साथ में 6 स्पीड है, यहाँ पे कोई क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा, साथ में स्लीपर क्लास देखने को मिलेगा। KTM के अंदर तुम लोग को क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा बट Apache के अंदर तुम लोग को क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस यहाँ पे BHP का बात करेंगे तो BHP पे 34.5 BHP देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा 0.5 BHP यहाँ पे अपडेट हो चुका है, 34 BHP देखने को मिलेगा, मतलब सही यार BHP तो वाइस सही है। एंड तुम लोगों को बाइक का लुक कैसा लग रहा है ऑब्वियसली कमेंट करके बता दो। और सामने आप लोगों को ड्यूल एलईडी हेडलाइट प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा जो रोशनी भाई बहुत जोर है। एंड साइड इंडिकेटर पे एलईडी देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी आप लोगों को एलईडी देखने को मिलेगा, इसका जो मीटर है भाई एकदम पूरा मोबाइल की तरह देखने को मिलेगा, एकदम मोबाइल की तरह देखने को मिलेगा। इसका मीटर का क्वालिटी आप लोगों को कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बता देना। और कैसे यहाँ पे टायर साइज का बात करेंगे, टायर साइज आप लोगों को दोनों के अंदर सेम टू सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका फ्रंट टायर सामने का टायर 1/0/70/70 देखने को मिला, पीछे का टायर 150/70/17 देखने को मिलेगा, मतलब सामने का टायर और पीछे का टायर दोनों KTM के अंदर भी सेम है, Apache RR310 के अंदर भी सेम टू सेम है। और सामने आप लोगों को USD मतलब अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलेगा, रियर आप लोगों एंड मोनोशॉक देखने को मिलेगा। डिस्क का साइज का बात करेंगे तो डिस्क का साइज Apache का थोड़ा सा यार भाई छोटा डिस्क है, थोड़ा सा यार 20 सेक्शन का थोड़ा सा छोटा है। और गाइस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है बट ब्रेकिंग कंट्रोल Apache का भी अच्छा है, KTM का भी अच्छा है, मैं बोलूंगा तो KTM का अच्छा है, Apache का थोड़ा सा कम है, मतलब दोनों बाइक के अंदर सेम है बट इसका लुक मेरे को लग रहा है, मेरे मर्जी से बोलो तो भाई मेरे को भाई Apache का लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है, KTM का लुक उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि KTM 390 जो ओल्ड मॉडल है 2016 मॉडल है वो मॉडल का लुक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बट अभी का 2022 के अंदर जो मॉडल लॉन्च किया ये मॉडल मेरे को भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम लोगों को कैसा लगता है ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता देना। और गाइस ये भी Apache RR310 का टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे तो 170 किलोमीटर, तो गाइस 170 किलोमीटर का 175 5 किलोमीटर का फर्क है, बट इनिशियल पिकअप KTM का ज्यादा है, टॉप स्पीड भी KTM का ज्यादा है, थोड़ा बहुत 5 स्पीड, बट यहाँ पे प्राइस वैल्यू पर मानी तुम लोगों भाई जाओगे तो Apache RR310 ले सकते हो, क्योंकि Apache RR310 का प्राइस बहुत ज्यादा कम है गाइस, यहाँ पे 3.10 लाख, मतलब कहा 3.70 लाख और 3. मतलब आप लोग भाई पकड़ सो 50 से 60 के यहाँ पे तुम लोगों को ज़्यादा देकर KTM ले सकते हो, अगर 50 से 60 ज़्यादा कम देकर तुम भाई Apache ले सकते हो, ठीक है। तो तुम लोगों को कौन सा बाइक अच्छा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बता देना। मैंने बोलूँ तो भाई मेरे को भाई Apache RR310 अच्छा लगा, तुम लोगों को कैसे लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बता देना, बाइक का लुक सब कुछ बढ़िया लगा। और यहाँ पे जो भाई बात है इनिशियल पिकअप गाइस किसका ज़्यादा है, इनिशियल पिकअप ऑब्वियसली KTM का ज़्यादा है, Apache का थोड़ा सा कम है। और अगर भाई आप लोग भाई चाहोगे जो BMW Z310R ले सकते हो तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर सेम टू सेम इंजन यूज किया बट यहाँ पे थोड़ा ब्रांड वैल्यू थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आज हम लोग बता दिया तो भाई Apache के अंदर क्या क्या मिल रहा है, KTM के अंदर क्या क्या मिल रहा है, अभी तुम लोग भाई डिसाइड करो कौन सा बाइक सही है, जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता देना तुम लोगों को भाई कौन सा बाइक सही लग रहा है ऑब्वियसली, एक बार प्लीज यार कमेंट करके बता देना, ठीक है। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली भी कमेंट कर देना, चलो गाइस आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो गाइस एंड टाटा बाय बाय।